सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं अभी दुबई और जा रहा हूं मिरका गार्डन के लिए। दुबई मैं कल आ गया था, लेकिन कोविड के चक्कर में ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाया और कुछ जयपुर का एयरपोर्ट भी मैंने वो कई बार दिखा रखा है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। आज मेरा दुबई में तीसरा दिन है और इन दो दिनों में मैंने दवा की शॉपिंग की। एप्पल का नया आईफोन 12 प्रो मैक्स लिया, एप्पल मैकबुक M1 ली, इसके मैंने अनबॉक्सिंग भी की है। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अनबॉक्सिंग में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं अनबॉक्सिंग की है। इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, और आज जो पहला मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो है मिरेकल गार्डन और बटरफ्लाई का। अभी मैं हूँ मॉल ऑफ अमीरट्स के बस स्टैंड पर और यहाँ से 105 नंबर की बस मुझे मिरेकल गार्डन छोड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, ये है मॉल ऑफ अमीरट्स का बस स्टैंड, एकदम शांत साफ सुथरा चुपचाप सा हुआ। अभी हाल ही में दुबई ने अपने रिजिट वीजाज के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए, इस वजह से यहाँ टूरिस्ट अभी कम है। कुछ कोरोना, कुछ शनिवार का तड़का, तो कुल मिला के शांत सा माहौल है। ऐसे माहौल में घूमने का मजा भी आता है। ये देखिए बुर्ज अल अरब, इसकी अपनी ही एक रंगत है। तो दोस्तों ये मैं बैठ चुका हूँ बस नंबर 105 में। यह मालूम मेयर से रवाना होकर एकदम मिरेकल गार्डन के गेट पे हमें छोड़ देगी। तकरीबन 20-22 मिनट का समय ये लेगा और 5 दिराम इसकी टिकट है। इसमें आप नॉन कार्ड आराम से यूज कर सकते हैं। कोरोना के कारण हर एक सीट इन्होंने खाली छोड़ रखी है, हर एक सीट इन्होंने सही रखा है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं मिरेकल गार्डन। हाँ देखो, हाँ पॉकेट जंगल ही जंगल, दुबई सांस पार्क। यहाँ से दो रास्ता लगे निकलते हैं। अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो मिरेकल गार्डन है, राइट में जाएंगे तो बटरफ्लाई गार्डन है। पांच दिराम लगे मेरे और पहले मैं जा रहा हूँ बटरफ्लाई गार्डन देखने के लिए। पिछली बार यह है गया था, लेकिन इस बार यहीं से शुरू करना है।
सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ की जो टिकट है 55 dirhams। यहाँ आपको कोई भी कॉम्बो ऑफर नहीं मिलेगा। कॉम्बो मतलब अगर आपको बटरफ्लाई गार्डन और मिरेकल गार्डन भी देखना है तो आपको सेपरेट टिकट्स लेनी पड़ेंगी। कोई कॉम्बो नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो आप बिल्कुल मिस ना करें। और स्पेशली नवंबर से दिसंबर के बीच में अगर आप हैं तो सोचना भी मत मिस करने का। ये लोग हर बार कुछ नया क्रिएटिव लेके आते हैं। हालांकि मैं पिछली बार भी आया था और उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन नए के चक्कर में दोबारा भी आया हूँ। आइए एंट्री करते हैं। हाय, ये जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आप इस एंट्रेंस हॉल के अंदर आएंगे और देखिए यहाँ सारी जो पेंटिंग्स है वह बटरफ्लाई को जोड़ जोड़ कर ही बनाई गई है। देखिए ये जो शेख साहब हैं ये भी पूरे बटरफ्लाई से बने हैं और यहाँ देश और देश के बाहर की कई प्रकार की प्रजातियों की बटरफ्लाई आपको देखने को मिलेगी। शानदार नज़ारा है। बटरफ्लाई गार्डन जो है बटरफ्लाई लवर्स के लिए तो हेवन से कम नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी देखिए आपको ऐसी ऐसी प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिलेगी जो आसानी से नहीं आप घूम सकते। बटरफ्लाई के बारे में बताया गया है। देखिए इसे चाहत को पूरा बटरफ्लाई से बना हुआ अद्भुत काम किया है लोगों ने। लेकिन क्या करें, यहाँ करीब 5,000 अलग अलग जातियों की बटरफ्लाईज हैं। टोटल 3 डोम हैं, तीनों डोम में अलग अलग बटरफ्लाईज हैं। तो मैं पहुंचा हूं पहले डोम के अंदर और ये नज़ारा देखिए शानदार, मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए उन्होंने मुझे पहले ही वॉर्न किया था आप किसी बटरफ्लाई को नहीं टच करेंगे, स्पेशली उनके विंग्स को नहीं टच करेंगे। ओहो गजब। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये iPhone 12 Pro Max से है, तो बताइएगा ज़रूर। यहाँ सिर्फ 3 रूम्स हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा इसको सही होते हैं। जाएंगे
बार हो गए हैं बाहर, तब हम दोबारा चक्कर लगाएंगे यहाँ पे। रियली दोस्तों अमेजिंग अमेजिंग, देखिए ये पूरा डॉम बन है। इसमें चलते हैं, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ये बैठने चाहिए हाथ में भी, और इसकी ब्यूटी का मैं आपको क्या बताऊं, आप वीडियो में शायद ही समझ पाएंगे। इसको फील करने के लिए आपको एक बार यहाँ आना तो बनता ही है। फूलों की महक इतनी तेज है कि ज़्यादा देर यहाँ बैठना मुश्किल ही है। तो हम चलते हैं डोम टू में। ओह वाह, ये देखिए मुझे अवतार वाला सीन आ गया। इस अवतार में हर जगह वो बटरफ्लाई जोड़ा करती थी। वाह वाह वाह, ये कितनी बड़ी बड़ी हैं। आ रहा दोस्तों, मजा देख।
बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। वाह, कितनी बड़ी बड़ी फिश लगा रखी है उन्होंने। ये जितना सुंदर हमें दिखा है ना डोम, उसको मेंटेन करना भी उतना ही बड़ा जरूरी है। यहाँ काफ़ी टिक्के टकर्स हैं इनकी, और एयर कंडीशन वगैरह काफ़ी मशीन से यहाँ लगी हुई है, ताकि बटरफ्लाई के अनुकूल जो है इनको ये लोग वातावरण प्रोवाइड करवा सके। पैट को लाने से ज़्यादा ज़रूरी उसका रख रखाव मायने रखता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो ट्रे है जहाँ पर बटरफ्लाई नाश्ता कर रही हैं, खाना खा रही हैं, इसके खाली के लिए भी दो तीन आदमी हैं जो थोड़ी देर में आएंगे, मास्क प्ले वगैरह करेंगे, ये फ्रूट्स काट के वहाँ रखते हैं। तो काम तो पूरे को पूरा ही है। बटरफ्लाई कट के लिया, कोविड के कारण यहाँ रश तो नहीं है, नहीं तो यहाँ बहुत रश रहता है, स्पेशली बच्चे यहाँ बहुत पसंद करते हैं। वाह, देखिए इनको भी पता है कि हम यहाँ सेफ है, तो उनको डर नहीं है वो यहाँ पे। इसीलिए दोस्त कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर आएँ तो इसे मिस करने की गलती ना करें। जब आप इतना पैसा लगाकर दुबई पधारे हैं तो ये ज़रूर देखें। ये है हम अभी डोम नंबर 2 में, और देखिए कितने बजे अटखेलियाँ। सो अब फाइनल करते हैं हम लोग डोम 3 में। दिस वे टू डोम 3। ये जो अभी हमने फ़ोटो लिया था उसी बटरफ्लाई का है। यहाँ से बटरफ्लाई का आप सिक्का भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आ चुके हम लोग डोम 3 में। वाह, किसी भी बटरफ्लाई को हाथ लगाना स्ट्रिक्टली मना है। ये देखिए एक मेहमान बैठा है मेरे पास,
बस अब निकलते हैं बाहर मिरेकल गार्डन की ओर। ये छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए मैं आपसे फिर बोलूँगा अगर आप दुबई में हैं स्पेशली नवंबर दिसंबर तो आप प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको ज़रूर लेके आइए, ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बटरफ्लाई से इस प्रकार कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते जहाँ आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों निकलते हैं बाहर। ओके बाय, थैंक यू। जहाँ से एंटर किया था, थैंक यू बाय। यहीं से हमने एंटर किया था और यहीं से हम एग्जिट हो गए। छोटा है लेकिन पूरा पूरा बारूद है भाई। कमेंट में बताना ज़रूर कैसा लगा आपको। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं तो अगर आपको चाहे खाना वाना तो आप खा सकते हैं। मेरा फिलहाल कोई मूड नहीं है कुछ खाने का, इसलिए अब चलते हैं यहाँ से मिरेकल गार्डन।